मेरे नाल अज उस्ताद रघबीर सिंह जी, असी सतसंग जी पहली बारी बैठे हैं स्टेज पर, बहुत सीनियर ने क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा समा उस महान कीर्तनकार भाई बलबीर सिंह जी जिन्हों की गुरमत संगीत में बहुत वड्डी देन है, उन्होंने नाल इन्होंने बहुत संगत की है। मैं छोटा जहा हुंदा सी जवदी टकसाल विखे तो भाई साहब जी नाल उदों वजाउण दा मैनूं संगत करन दा मौका मिलदा हुंदा सी, ते मेरे ख्याल उदों मेरी दाड़ी भी नहीं हुंदी सी। तो गुरु पातशाह जी की कृपा नाल अज्ज असीं सारे इकट्ठे होए हाँ। भाई करमजीत सिंह शांत जी उन्हों का धनवाद जिन्हों के उदम उपराले सदका आप संगतों के दर्शन करने का समा मिलया है, और उस्ताद रघबीर सिंह जी के प्यार सदका साध संगत जी समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये सारे कारज उलीके गए हैं। आओ सारे रल के पावन तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई पावन गुरबाणी के नाल जुड़न का यतन करिए। असी थोड़ी देर पहलों ही आए हाँ, थके हैगे हैं, लेकिन गुरु पातशाह जी कृपा करना असी सारे ने यतन करना है गुरबाणी नाल जुड़न दा। आओ कोशिश करते हैं जी। Thank you.
गुरु प्यारी सतसंग जीओ पुरातन काल वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पुराने कीर्तनीए जिस तरह कीर्तन कराए करते समय सतसंग जी उस तरीके दे अनुसार असी कोशिश की है कीर्तन की मर्यादा दे विच सब तो पहला ये गुरु घर की शान आती है जो साजां दे नाल वजाया करते सन पुराने कीर्तनीए जोड़ी के उपर जिस तरह उस्ताद रघबीर सिंह जी ने आप जी ने तबला सुनाया है इस टाइम उस तरीके दे अनुसार वो जतन करते होंगे सन ये सानू गुरु पातशाह जी ने यह सानू सिक्ख्या दिती है इस तो बाद डंडौत उस तो बाद शब्द शब्द की हाजिरी ला के आप सारे समाप्ति करांगे आओ श्रवण करो नानक
ਕਬੀਰ ਜੀ चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों चल रे बैकुंठ तुझे ले Thank you.
अपने विचार असरारी की जय। अपने विचार असरारी की जय। सहज के बावड़े भगतर चहता प्रेम तब कमारो। चहता प्रेम तब कमारो। चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू। चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू। चल रे कबीर भले असमारा। कबीर हैत कबीर कबीर भले असवारा। कहत कबीर असवारा। कहत कबीर भले सारे गाओ जी। रे रे तारू चल रे बैकुंठ तुझे रे तारू। चहता प्रेम के चाबक मारो। चहता प्रेम के चाबक मारो। चल रे
इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी सात संगत जीओ सारे गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।